मेरे सभी युवा साथी, पिता समान बुजुर्गों, आप सब ने मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबको सिर झुका के इस मंदिर प्रांगण में सबको जय श्री श्याम प्रणाम करता हूँ। अभी मुकेश भाई साहब ने बताया जैसे कि हम सब लोग बाबा के कुछ ना कुछ उद्धार करने के लिए हम सब लोगों का सहयोग ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रांगण में मैं आरक में पूरे में ऐसी हालत है कि यहाँ टेबल वेबल जितनी है वो सब टूटी हुई है, उसके बाद ना यहाँ कोई पेंट वगैरह हो रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपके बीच में एक वादा कर रहा हूँ, अभी हफ्ता हुआ आपका मंदिर का प्रांगण मिलेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और कल से, कल का मतलब है कल ही, ये नहीं मैं आपसे कह के चला जाऊँ और फिर मेरे को नीरज श्रीवास्तव, अमित जी, हमारे राहुल भैया ये कहें कि भाई साहब बोल के तो चले गए, काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। मैं जो काम बोल के जाता हूँ वो पहले करता हूँ, इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि आपके यहाँ प्रांगण में मैं देख रहा हूँ, मेरे से बार बार एक विषय पे बात होती है कि अभी जो भी कोई कार्य करेंगे हम सब लोग, तो हमें लगना चाहिए कि वास्तव में मंदिर में एक ये स्थान ऐसा है। अभी हम अपना समय 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा हम मंदिर के प्रांगण में इसलिए देते कि हमें यहाँ पर मन की शांति मिलती है। और सावन के महीने में आप सब लोग जल अभिषेक करने के लिए भी मंदिर पे आते होंगे और लेके आएंगे हरिद्वार से, तो हम सब लोगों का सौभाग्य होगा कि मैं स्वयं भी उनके साथ आपके ही जयकमपुरा में, जहाँ से हम प्रजापति धर्मशाला है उसी मंदिर के बिल्कुल पास से, उन्हीं के साथ मैं भी जल अभिषेक करूँगा 2 तारीख को। तो हमें लगेगा कि वास्तव में हम सब लोग, हम सब लोग हमेशा, आदमी जो बड़े लोग हैं ना उनके लिए सब लोग सेवा में हाजिर रहते हैं, लेकिन गुड़गांव के 2 नेता ऐसे रहे, एक तो भगवान बाबा श्याम के पास है अभी, राकेश दौलताबाद जिसका नाम था, और एक मुकेश पहलवान जो हमेशा गरीब आदमी की मदद के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है कि भाई ये कार्य होना चाहिए। अभी भाई साहब ने कहा हमारे पूरे गुड़गांव में सबसे बड़ी समस्या थी शिविर की, और हमें लगता था कि यार वास्तव में इतनी बड़ी समस्या है। कई बार मैं निगम वालों से बोलता था तो लगता था कि वो कहते थे भाई साहब 2 दिन बाद कार्य होगा, 3 दिन बाद कार्य होगा। अभी हमारी फिर शनिवार इतवार की जैसे छुट्टी होती तो वो कार्य सोमवार को होता था। मेरे को लगा कि यार ये सबसे बड़ी समस्या है, मैंने अपनी खुद की चेट मशीन खरीद ली, 1 घंटे में जैसे कॉल आती है, जो कहीं काम कर रहे होंगे तो ठीक है नहीं, 1 घंटे में आपके पास तुरंत मेरी जेट मशीन पहुंचती है वहां पर, वो शिविर बिल्कुल साफ करके, और लगता है वास्तव में हमने एक अच्छा कार्य किया, कम से कम गंध से गुजरने से बढ़िया है कि हम सब लोग अच्छे कार्य के लिए। अभी कुछ ही दिनों बाद अगर जो निगम की गाड़ी आपका कूड़ा उठाने के लिए आती है तो बेस्ट है, नहीं तो मैं अगला जो मेरा विषय है, अपने खुद के ट्रैक्टर लेके, अपनी खुद की लेबर लेके आपके घर से वो कूड़ा उठाने के लिए आएंगे, बैल बजाएंगे आपकी और सारे कूड़े को ले जाके डंपिंग स्टेशन पे गिरेंगे। जो हमारा घर अच्छा स्वस्थ होगा तो ही हम गुड़गांव का विकास कर सकते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं रोज आपको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा, आप देख ही रहे होगे। मैं सुबह 4 बजे का निकला हुआ हूँ बस की जैसे विदाई की, उसके बाद मैं कंटिन्यू सभाओं में हूँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा पिछले 2 महीने से रोज ऐसा लग रहा है कि कल ही चुनाव है। ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह, आशीर्वाद कभी मैंने अपनी लाइफ में राजनीति में देखा नहीं। और अभी आपने वजीराबाद का लास्ट मेरा कार्यक्रम था कार्यालय का, अब मैं 2 तारीख शिवरात्रि के बाद में कार्यालय की ओपनिंग करूंगा, लेकिन अभी जो लास्ट मेरा कार्यक्रम था वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम था, 10,000 के करीब कम से कम वहाँ पर परिवार आए हुए थे, तो सबने बहुत अच्छा मेरा स्वागत किया और बहुत अच्छा रहा वजीराबाद। जिस तरीके से आप जो लोगों की छोटी छोटी जरूरत है, चाहे वो पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या, तुरंत ही समाधान कर रहे हैं। अभी तो आप चुनाव जो तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है इस टाइम, उससे पहले दिख रहा है कि लोग जनसमूह जो है उमड़ के पड़ रहा है। ऐसा है, मैं ना बिल्कुल, मैं काम पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, मैं लोगों की तरह ना झूठ बोल के नहीं जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को आज काम की ज़रूरत है, झूठ की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, पोस्टर होर्डिंग में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, ना उनकी कोई टीम है, वो सिर्फ अपना चेहरा दिखा रहे हैं, अपनी ऐड कर रहे हैं। मैं काम करता हूँ धरातल पे, मुझे किसी ने कहा ये काम है, मैं उस काम को करने के बाद फिर खुद भी चेक करने के लिए आता हूँ कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर जो आदमी अपने परिवार की तरह इंटरेस्ट लेगा तो आप ये सोच लो कि कितनी बड़ी बात होगी ये सारी की सारी। भाई मुकेश शर्मा अपनी बार
बताइए पहले। मैं मीना मित्तल जैकमपुरा से। मुकेश भाई साहब ने यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं कि किस तरह से हम अपने गुड़गांव का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनल एक महिला होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को सबसे पहले स्वास्थ्य की, अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है, सफाई के द्वारा ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। गुड़गांव इस टाइम पे एक ऐसा जिला है जहाँ पर स्वास्थ्य की कोई सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गुड़गांव को किसी भी तरह से स्वच्छ बनाया जाए। यहाँ पर स्वीप की कोई भी ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो सभी कुछ ठीक है। अगर सफाई है तो हेल्थ अपने आप ही स्वस्थ रहेगी।